हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निखिल, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइट विजिट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 105 गज में बना हुआ लग्जरी विला। छोटा सा विला है, अच्छे प्राइस में है और अच्छी लोकेलिटी में है। आप जैसे देख रहे हैं प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है, बिल्कुल शांति है, कोई यहाँ पे रोड्स का ट्रैफिक नहीं है, शोर नहीं है यहाँ पे, और अच्छा डेवलप हुआ हुआ एरिया है। रोड्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, 30-30 फीट की रोड्स हैं, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह के काफ़ी विलास बने हुए हैं, जो कि एलिवेशन भी हम अगर बात करें एलिवेशन की तो काफ़ी अच्छा एलिवेशन है। जैसे आप देख रहे हैं दो विंडोज़ हमने विलास में दी हैं, ऊपर और नीचे, काफ़ी अच्छे यहाँ पे वेंटिलेशन और लाइटिंग के साथ ये रहने वाले हैं। तो विला के एंट्रेंस में हमें यहाँ पे आयरन का गेट मिल जाता है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो अगर मैं पार्किंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी गाड़ी की स्पेस मिल जाती है। छोटी गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे हमें मिलने वाली है, क्योंकि 105 गज का विला है, एक गाड़ी की पार्किंग आपको बाहर मिलने वाली है। 30 फीट की रोड है, तो यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं रहने वाली है। टू व्हीलर की पार्किंग आपको बिल्कुल गेट के पीछे राइट साइड में रहने वाली है। यहाँ पे आपका आप एज ए वॉशिंग एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सामने हम टैप लगा के दे रहे हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी सीढ़ियाँ बाहर से हैं। सीढ़ियाँ बाहर से होंगी तो आप कल को आप एक ऊपर रेंट आउट भी कर सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन 7-8 हज़ार रुपये आपका रेंट भी आ जाएगा। तो एंट्रेंस पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे हमें डोर मिल रहा है, 8 फीट तक का डोर है, जो कि प्रॉपर वुडन वर्क के साथ यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है। जैसे ही आप विला के अंदर एंटर करोगे, तो यहाँ पे हमें पूरी डाउन सीलिंग बहुत ही अच्छी, यहाँ प्यारी सी डाउन सीलिंग मिल रही है, LED लाइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे वुडन वर्क मिल रहा है, यहाँ पे हम वॉलपेपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग डाइनिंग की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग है यहाँ का। ये देखो आपके सामने हमने 7 सीटर यहाँ पे सोफ़ा इंस्टॉल करा है, तो इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस बच जाता है, जो कि 6 सीटर हम अपना डाइनिंग भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। LED पैनल मिल जाता है हमें। तो हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन की बात करूँ यार, काफ़ी स्पेशियस किचन है, किचन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। पूरी मॉड्यूलर किचन रहने वाली है, काफ़ी स्पेस है यार किचन में भी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 100-105 गज की कोठी आपको दिखा रहे हैं। वेंटिलेशन की बात करूं तो सामने आपको फ्रंट में विंडो मिल जाती है। आप यहाँ पे अपना जो वेट एरिया रहने वाला है, वेट एरिया आपका बिल्कुल फ्रंट पे रहने वाला है, ताकि आप कल को बर्तन वगैरह आप साफ़ कर रहे हैं तो बाहर का ध्यान भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे डाउन सीलिंग की बात करूँ, चिमनी का प्रोविज़न की बात करूँ, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है एज इट इज़। तो ये थी हमारी किचन। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो 10x14 के हमारे यहाँ पे बेडरूम रहने वाले हैं। तो बेडरूम में अगर बात करें ना डाउन सीलिंग की, यार ये ज़िगज़ैग डाउन सीलिंग करेगी, यहाँ पे बहुत अच्छी डाउन सीलिंग है, मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। सामने आपको एज इट इज़ यहाँ पे LED पैनल मिल जाता है, वेंटिलेशन मिल जाती है, लाइट मिल जाती है। कबर्ड्स की बात करूँ तो कबर्ड्स रूफ तक मिल जाते हैं हमें, काफ़ी अच्छा सरमाइका यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है, वुडन वर्क है, लाइट भी है, वाइट भी है, वुडन वर्क भी है, काफ़ी अच्छा सरमाइका यहाँ पे यूज़ करा गया है। और अगर मैं सैनिटरी की बात करूँ ना यार, हिंदवेयर की सैनिटरी फिटिंग यहाँ पे हमें मिल रही है। हर रूम के साथ हमें अटैच वॉशरूम मिल रहा है, वॉल हैंगिंग सीट मिल जाएगी आपको, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे, गीजर की प्रोविज़न है, वॉश बेसिन मिल रहा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है। तो किसी भी तरह का किसी भी चीज़ के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया। तो अगर अब चलते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ, तो सेकंड बेडरूम भी हमारा 10x14 का रहने वाला है। इसमें भी आपको डाउन सीलिंग का डिज़ाइन जो है बिल्कुल डिफरेंट मिल जाता है, इसके साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और ये एक गेट है जो कि हमें ले जाता है वॉशिंग एरिया की तरफ। पीछे हमारा वॉशिंग एरिया रहने वाला है। तो देखो आप 105 गज की कोठी में ना आपको हर एक चीज़ मिली है, पार्किंग भी मिल चुकी है, वॉशिंग एरिया भी मिल गया है, स्पेशियस किचन है, ड्राइंग डाइनिंग है, अटैच वॉशरूम्स हैं। तो बड़े अच्छे से इसको ना मेंटेन करा गया है इस। तो इसी के साथ हमें अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, जो कि सेम वॉल हैंगिंग सीट्स के साथ रहने वाला है, हिंदवेयर की फिटिंग रहने वाली है, लाइट सी टाइल्स इंस्टॉल करी गई है, बड़ा अच्छा कलर यहाँ पर इंस्टॉल करा गया है टाइल्स का। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट होता है, क्योंकि वॉशरूम में लाइट रहनी एक मेन बात होती है कि लाइट वॉशरूम में होनी चाहिए। तो जी ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें हमने देखा 2 BHK, 2 बेडरूम नीचे था, किचन थी, ड्राइंग डाइनिंग स्पेस था। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं हमें ऊपर क्या मिलने वाला है। तो
अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसा कि हमने देखा कि सीढ़ियां भी काफी इसकी वाइड है, स्टील रेलिंग सारी इंस्टॉल करी गई है। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आप एंटर करेंगे ना, आपको यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा जो कि आपको इवनिंग में बैठने के लिए, चाय कॉफी इंजॉय करने के लिए काफी अच्छा है। डाउन सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बाहर भी यहाँ पे डाउन सीलिंग प्रॉपर करी गई है, एलईडी लाइट्स के साथ करी गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर को, देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ही हम एंटर करेंगे ना, तो सबसे पहले तो डाउन सीलिंग और एलईडी लाइट्स, बड़ा प्यारा स्क्वायर सा डिजाइन है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर। बिल्कुल इसके साथ छोटी सी किचन भी आपको ऊपर दे रहे हैं। कल को आप अगर इस पोर्शन को रेंट आउट करते हो तो प्रॉपर 1 BHK के ऊपर बना हुआ है, काफी स्पेस है ऊपर भी किचन में। वेट एरिया भी आपका फ्रंट पे रहने वाला है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, लाइट के लिए विंडो है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ, इसके साथ ही हमारा ऊपर वाला बेडरूम रहने वाला है। तो यहाँ पे भी डाउन सीलिंग का डिजाइन बहुत, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करे गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी रूम का उठा के किसी में कॉपी पेस्ट कर दिया। और फ्रंट फेसिंग का रूम रहने वाला है, इसमें आपकी लाइटिंग देखो बहुत ही, मतलब सुबह का जो व्यू रहने वाला है ना इसका, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे कर्टन्स लगाओ और व्यू बहुत अच्छा रहने वाला है इनका, लाइट भी है, वेंटिलेशन भी है, और कबर्ड्स आपको साथ मिल रहे हैं इसके। अगर बात करूँ मैं वॉशरूम की, तो इसके साथ अटैच वॉशरूम भी हमें मिल रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। इसमें भी लाइट टाइल इंस्टॉल करी गई है, प्यारा सा कलर है, हिंदवेयर की फिटिंग है, वॉल हैंगिंग सीट्स रहेंगी, तो काफ़ी अच्छा एरिया यूटिलाइज किया गया है। तो जैसे ही हम रूम से एग्जिट करेंगे तो इसके बिल्कुल सामने हमें एक गेट मिल जाता है जो ले जाता है हमें अपनी रूफ की तरफ। तो वाओ, यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी रूफ मिल रही है, जिसका फ़ायदा हम सर्दियों में उठा सकते हैं, गर्मियों में भी उठा सकते हैं, आप अपने यहाँ पे कपड़े वगैरह अपने सुखा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, छोटी बहुत पार्टी करने के लिए भी अच्छा स्पेस है, और जो आपके वाटर टैंक रहने वाले हैं ना वो आपके ऊपर वाले रूफ पे रहने वाले हैं, तो इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको कोई परेशानी होगी तो ये रूफ आपकी हमेशा इसी तरह ही खाली रहने वाली है। तो ये था हमारा 105 गज में बना हुआ काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया में विला। इसी तरह के विलाज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।